अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू यूनिवर्सल ऑप्टिशन। मेरा नाम है शाहजेब अहमद भट्ट और आप सबको वेलकम कहता हूँ यूनिवर्सल ऑप्टिशन में। आज का रिव्यू है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो है वो है लग्जरी ग्लासेस के ऊपर, डीटा फ्लाइट 004। डीटा एक बहुत ही लग्जरी ब्रांड है, इसकी तमाम ग्लासेस लग्जरी हैं और ये जो हम ग्लासेस का रिव्यू करेंगे ये बेसिकली एविएटर स्टाइल के अंदर है। तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है, इंशाल्लाह इसके अंदर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी डीटा के हवाले से और इसके काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स हैं। एक वीडियो के अंदर तो नहीं कवर हो सकते, लेकिन इंशाल्लाह आपको दिन बाय दिन आपको बड़ी अच्छी जो है इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ये भी वाइट कलर के ऊपर इन्होंने मोनोग्राम जो है अपना इम्बोज करवाया हुआ है डी में। इसके साथ साथ एक खूबसूरती ये भी है कि डीटा के जितने भी सनग्लास आप लेंगे ना, उसका केस के अंदर भी डी जो है ना इम्बोज हुआ होगा। एक यहाँ पर डीटा लिखा होगा इस साइड के ऊपर और दूसरा आपको इस साइड के ऊपर भी डीटा का लोगो जो है इम्बोज में मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम अपनी ग्लासेस को इसके अंदर रख के। इसके अंदर ग्लासेस जब भी आप इस तरह चेक भी करेंगे ना, देखिए कितना ज़्यादा इसके अंदर आपको पोर्शन मिलेगा। ग्लासेस आपकी इसके अंदर इजीली प्रोटेक्ट भी रहेंगी और सेफ भी रहेंगी इसके अंदर। इस वक्त जो रिव्यू है ये है डीटा फ्लाइट 004 का। अगर हम इसके ऊपर डबल ब्रिज की बात कर लेते हैं, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का मैन्युफैक्चर है और सबसे बड़ी इसके जो नोज पैड्स आप देख रहे हैं कैमरे में आपको नज़र आ रहे हैं कि नोज पैड के ऊपर भी डीटा का लोगो इम्बोज हुआ हुआ है। इसके साथ साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इनकी ग्लासेस की एक जो है सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए मुझे जो चीज़ ना पसंद है वो ये है, इसका बैड फैक्ट्स ये है कि इनके जितने भी कलर्स हैं ये ज़्यादातर लाइट्स कलर को प्रेफर करते हैं। ये बेसिकली वो ग्लासेस को मैन्युफैक्चर करते हैं जो डे में तो यूज़ हो, इन बिटवीन जो लाइट कम हो, सनलाइट की लाइट कम हो, तो तब भी बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए। और ये ज़्यादातर फोकस करते हैं हॉलीवुड्स के फैशन को। ये जितने भी डीटा के सनग्लास आपको मिलेगी ये ज़्यादातर हॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने इस्तेमाल की होगी। डीटा के अंदर ये जो साइज़ है, ये वाला साइज़ है डीटा का। डीटा का जो ये वाला साइज़ है फ्रंट लुक से आप देख रहे हैं, ये डीटा का साइज़ है 58। 58 एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। 58 के ऊपर आके आपको जो है मीडियम फेस के लिए भी बड़ा अच्छा होगा और जो हेल्दी फेस है उनके लिए भी ठीक लगेगा, लेकिन एग्जैक्टिव स्टाइल्स जो होते हैं ना वो आपके चेहरे के अकॉर्डिंगली ही प्रेफर किया जाता है। यानी कि अगर आपका हेल्दी चेहरा है तो 62 यूज़ करें, 60 यूज़ करें, लेकिन इसके अंदर 58 मिलेगा आपको या 62 मिलेगा। इन्होंने फोकस सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर को करना है, इन्होंने फोकस सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को करना है। ये ब्रांड्स पाकिस्तान के अंदर LV लुई विटॉन को भी पीछे छोड़ गया। डीटा को लॉन्च हुए हुए वर्ल्ड वाइड 20 ईयर्स से ज़्यादा का टाइम हो चुका हुआ है और इन्होंने सबसे ज़्यादा फैशन को जो फोकस किया वो आफ्टर 2015 के बाद किया। 2015 के बाद जब डीटा की ग्लासेस मार्केट के अंदर ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हुई थी, किसी सेलिब्रिटी ने पहनी थी, उसके बाद से लेके अब तक डीटा का अरूज जो है वो चल रहा है और आने वाले भी सालों तक मुझे जो लगता है कि डीटा अपने मार्केट के अंदर काफ़ी होल्ड जमा के रखेगा। फिल वक्त के लिए जो है डीटा एक टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड्स के अंदर आता है और लग्जरी ब्रांड्स के अंदर आता है। बहुत से कम लोग इस ब्रांड को जानते हैं, लेकिन अगर आप डीटा को इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको फिर ये पता चलेगा कि ये ब्रांड किस लेवल का ब्रांड है और इसकी जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो किस लेवल की हैं और ये किस किस तरह के लोगों के लिए मैन्युफैक्चर होते हैं। ये था डीटा का रिव्यू, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मज़ीद भी रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर शेड्स रिव्यू भी मिलेंगे और मैं अब अपनी नेक्स्ट आई केयर के ऊपर वीडियो आपको अपलोड करके दूंगा। तो तब तक के लिए अपना और अपने गिर्दोनवा लोगों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।